दिया जलाकर पारो ने किया था देवदास का इंतजार, लीजिए कर रही है हमारी पल्लवी भी निक का इंतजार। ऑफ कोर्स यहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है अपनापन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जानती है कि नहीं लौटेंगे उनके निक। ये जलता हुआ दिया जो फड़फड़ा रहा है, इस दिए को देखकर आप ये न समझना कि यहाँ पर एक कहानी घर घर की चल रही है। यहाँ पर कहानी है तो सही, लेकिन पार्वती की नहीं पल्लवी की। हे मम्मी जी चाहती हैं कि निक और पल्लवी की शादी से पहले इस सुंदर कांड हो, जिसकी तैयारी देखिए पल्लवी ने कैसे कर रखी है। वो खुद भी सजी सवरी है, शुरुआत से ही बहुत सिंपल है पल्लवी, और काफ़ी हल्की फुल्की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ थी। लेकिन अब जब ये श्रृंगार का ये आया है तो अच्छा लगता है। कौन सी लड़की को सजना सवरना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी लगता है ऑब्वियसली। और वही मुझे आज ही कोई पूछ रहा था कि अरे इट इज़ वेरी टायरिंग ना, इतना हेवी। मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सिंपल साड़ियाँ पहनी हैं, तो फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका दिल घबरा रहा है, क्योंकि निक और पल्लवी की जिंदगी में सोनाली जो लौट आई है। एक और जहां पर पल्लवी को लग रहा था कि अब निक और उसके बीच सब ठीक हो जाएगा, उसी पल इस सीरियल में सोनाली की एंट्री हो गई है, जो फिर से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। जैसे निक और पल्लवी की शादी हो रही है फिर से, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ऐसा आ रहा है कि सोनाली की एंट्री हो गई है, जो उनका गुजरा हुआ कल है, और बहुत ही दर्दनाक कल है ये। तो वो वापस आने के कारण से पल्लवी बहुत दुखी है और बहुत टेंस्ड भी है कि अभी कहाँ अच्छा सब होने जा रहा था और उसमें वापस ये विघ्न आ गया, और उसी टेंशन में है पल्लवी, क्योंकि बाकी घर वालों को किसी को ये पता नहीं है, सिर्फ पल्लवी और निखिल को ही पता है। और जैसे ही दिया बुझता है तो पल्लवी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। लेकिन पल्लवी, अब जब आप दोनों की शादी हो रही है ना, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये शादी होकर रहेगी। कोई भी सोनाली या कोई भी मोनाली इसे रोक नहीं सकती है। सुंदर कांड पर भले ही निक ना पहुंच सके, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो इस सुंदर कांड का हिस्सा जरूर बनेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।